हेलो दोस्तों, तो बात करें अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के बारे में। तो इस फिल्म की रिलीज डेट अब कंफर्म हो गई है, और साथ ही साथ नितिन की आने वाली फिल्म चेक की भी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, और हॉलीवुड से गोडजिला वीएस कोंग के ट्रेलर की भी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बात करें सबसे पहली खबर की, तो किच्चा सुदीप की अपकमिंग फिल्म विक्रांत रोना, तो इस फिल्म का टाइटल लोगो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर 31 जनवरी को रिलीज़ किया जाएगा। तो मतलब साउथ की फिल्मों का क्रेज इतना हो गया है कि उनका फर्स्ट लुको टाइटल भी इतनी शान और शौकत के साथ रिलीज किया जा रहा है, मानो अब सब तरफ साउथ का ही क्रेज होने वाला है। तो बात करें अगली खबर की, तो प्रतीक गांधी की वेब सीरीज इसके 1992 की जोरदार सफलता के बाद प्रतीक ने अपनी नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें हमें बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ भी और साथ ही साथ शर्मिन सहगल भी देखने को मिलेंगे, और इस फिल्म का नाम होगा अतिथि भूतो भवे। तो बात करें अगली खबर की, तो अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे जिसमें हमें कीर्ति सेनन, अरशद वारसी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे, तो इस फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, और ये फिल्म हमें 26 जनवरी 2022 को एक साल बाद थिएटर में देखने को मिलेगी। और बात करें अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की, तो ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज ना होकर अब थिएटर में ही रिलीज होगी, ये खुद अक्षय कुमार ने कंफर्म कर दिया है। और बात करें अगली खबर नितिन की अपकमिंग फिल्म चेक के बारे में, तो जिसमें हमें राकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश ओरियार जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे, तो ये फिल्म 14 फरवरी को हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी। और इस फिल्म से हिंदी अपडेट अभी कोई नहीं मिला है कि रिलीज़ होगी या नहीं होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।